السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. अल्लाह के पैगंबरों की और अल्लाह के दीन के शैदाइयों की ये अलामत और पहचान रही है कि उन्होंने हर हाल में अपने ईमान पर, अपनी तौहीद पर मजलूमों के साथ खड़े रहने की अपनी जद्दोजहद पर मुकम्मल इस्तेकामत दिखाई, सख्त से सख्त हालात भी अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदों के कदमों को मुतजलजल नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि उन पर आजमाइशें आती नहीं थी, उन पर आजमाइशें आती थी और बहुत ज्यादा आती थी, और आजमाइशें भी सिर्फ तकलीफ की शक्ल में नहीं आती थी। आजमाइशें उस्र और युस्र दोनों के साथ आती थी, परेशान करके भी आजमाया जाता था, तकलीफें देकर भी आजमाया जाता था, और दुनिया का लालच, दुनिया की हिर्स, इसके लिए भी उनके आजमाइश के दरवाजे उन पर खोल दिए जाते थे। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आखिर तक इस्तेकामत के रास्ते पर जमे रहे और उनको उनके उस रास्ते से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी लालच उनको उनके उस रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं कर पाती थी। इसलिए कि बातिल जब घबराता है और बातिल जब खौफजदा होता है और उस पर जब दहशत तारी होती है तो वो दो ही रास्ते इख्तियार करता है। एक रास्ता तो ये होता है कि वो हक को कुचलने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, मिटाने की कोशिश करता है, और जुल्म ज्यादती इसके दरवाजे चारों तरफ से उन पर खोल देता है। वो वक्त बहुत सख्त इम्तिहान का होता है कि ऐसे सख्त हालात में भी हक बात का इजहार करते रहना, ऐसे सख्त हालात में भी सच्चाई के रास्ते पर मजबूती से कायम रहना, ऐसे मौकों पर भी इंसाफ और अदल के साथ
एक एक कदम उठाना, इंसाफ और अदल का तकाजा है ये कि जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। इंसाफ और अदल का तकाजा है ये कि अच्छे अच्छे हैं और बुरे बुरे हैं। इंसाफ और अदल का तकाजा ये नहीं है कि अच्छे बुरे हो जाएं और बुरे अच्छे हो जाएं, ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। इंसाफ और अदल का तकाजा ये है कि जो जिसकी हैसियत है उसको उसकी उसी हैसियत से याद किया जाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर इस बात के लिए जबरदस्त प्रेशर होता था और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेरा जाता था इस बात के लिए कि वो गलत को सही और सही को गलत कहने लगे और हालात से मुतासिर हो जाए, जुल्म जबर कहर इनकी वजह से उनकी इस्तेकामत में कमी आ जाए और वो कुफ्र और शिर्क के साथ मुदाहनत का रास्ता इख्तियार कर ले और इस पर आमादा हो जाए कि ठीक है थोड़ा सा कुफ्र और थोड़ा सा शिर्क चलेगा और थोड़ी सी तारीफें चलेंगी और थोड़ा सा एक दूसरे के लिए दिल को ज़रा वसी करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, ये कोशिश होती थी। और बार बार मुशरिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बातें लेकर आते थे कि या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की इबादत करेंगे और हम अल्लाह का नाम लेंगे और हम अल्लाह को माबूद मानेंगे, हम तो अब भी मानते हैं, लेकिन मसला यह है कि आप तो जरा सा अपने अंदर लचक पैदा कीजिए, हम आपके माबूद को अल्लाह को रब मानने को तैयार हैं लेकिन आप भी तो हमारे माबूदान बातिल के लिए कुछ अच्छे अच्छी बातें कह दीजिए, एक मर्तबा उनके बारे में कोई अच्छा जुमला कह दीजिए। अल्लाह ताला ने, मुझे वो आयत इस वक्त जहन में नहीं आ रही है, अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ फरमाया था कि इस तरह की जो पेशकश होती है कि आपको थोड़ा सा अपनी तरफ माइल कर ले वो, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा झुकें तो वो भी आपकी तरफ झुक जाए, लेकिन अल्लाह को तौहीद के साथ अपने निज़ाम के साथ किसी भी तरह का शिर्क बर्दाश्त नहीं। नबियों का जवाब इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों के बाद ही होता था कि तुम में से कोई एक भी मेरी बात न माने, तुम में से कोई एक भी मेरी दावत को तस्लीम न करे, कबूल न करे, और तुम जुल्म और सितम और जबर और इस्तिबदाद के जितने रास्ते इख्तियार कर सकते हो वो सब इख्तियार कर लो, तब भी मैं अपने इस मिशन से, अपने इस काम से, अपने इस तौहीद के खालिस जज्बे से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार हूं, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता इस मामले में। और सूरह काफिरून अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, उसमें बबांगे दुहल इसका ऐलान फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए कि ऐ कुफ्र करने वाले लोगों, ला अबुदु मा ताबुदु, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और न तुम उन माबूदों उस माबूद की इबादत के लिए मुखलिस हो जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं। और मेरा आगे का प्लान भी सुन लो, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैं आइंदा भी उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी इबादत तुम करते, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम भी चाहो तो तुम न करो उसकी इबादत जिसकी इबादत मैं करता हूं, लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, हमारे लिए हमारा रास्ता। ईमान और तौहीद, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के अहकामात,
इस पर इंसान को इस दर्जे बसीरत हो कि एक कदम भी उससे आगे पीछे हटने को तैयार हो और अपने इस मिजाज पर, अपने ईमान पर, अपनी तौहीद पर, अल्लाह से अपने ताल्लुक पर, अपने इस्लाम पर, अपने मुस्लिम होने पर उसको सर तापा शुक्र बन जाना चाहिए। ये ऐसी नेमत है जिस नेमत का इजहार होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, वकाल कुल इन्नी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बात फरमाई कि इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين। आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह ही के लिए जीता हूँ, अल्लाह ही के लिए मरूंगा, अल्लाह ही के लिए मेरी सारी इबादतें हैं और मुझे इसका हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से एक मुसलमान हो जाऊं। फरमाया गया तुम्हारा ये नाम मुस्लिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा है, अपने इस नाम पर तुम्हें बहुत फख्र होना चाहिए। हमारी पहचान इस नाम से है कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया है, अल्लाह ने हमें मुमिन बनाया है। इस्लाम की नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई, ईमान की नेमत हमें अता फरमाई और इसके इजहार में हमें फख्र है, इसके इजहार में हमें खुशी है और इसको हम अल्लाह की सबसे बड़ी अपने लिए नेमत समझते हैं कि अल्लाह ने हमारे सर को सैकड़ों जगहों पर झुकने से बचा लिया और हमारा सर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के आगे झुकता है, जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है, रब है, इलाह है, बादशाह है, सारा निज़ाम उसका है, सारी ताकत उसकी है, सारी बादशाहत उसकी है, सारी कुदरत उसकी है। मुझे इस पर फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अपनी ही बंदगी के लिए कबूल फरमाया। बार बार नबियों से यह कहा जाता था कि आप थोड़ा सा इस मामले में लचक पैदा कर लें और करें आप अल्लाह की इबादत, माने आप अल्लाह को, पढ़ें आप नमाज, लेकिन थोड़ा सा हमारे बारे में भी हल्का हाथ रखें, शिर्क की शनाअत और खराबियां बयान न करें। लेकिन नबी सख्त से सख्त हालात में भी अपनी इस पहचान से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होते। वो कहते थे कि मेरा तो यही मिशन है, हमारा तो यही काम है कि हम अल्लाह की तौहीद का ऐलान करें, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करें, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहें और पूरी इंसानियत को अल्लाह की इसी तौहीद की तरफ बुलाएं। यह हमारी अलामत है, यह हमारी पहचान है। हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के जरिए हमको एक मुस्लिम कौम की हैसियत से दुनिया में मुतारफ कराया। यह हमारी बड़ी अलामत है, हमें इस पर फख्र है, हमें इस पर नाज है और हम इस पर अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें एक मुस्लिम बनाकर दुनिया में भेजा है। ये बड़ी फिक्र की बात है कि हमारे अंदर, हमारी नस्लों में, हमारे घरों में इस नेमत की कदर हो। अल्लाह का कानून ये है और अल्लाह का निज़ाम ये है कि जिस नेमत की नाकदरी होती है अल्लाह उस नेमत को हमसे छीन लेते। कुछ दिन तक अल्लाह ताला नाकदरी देखते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ताला नाकदरी करने वालों से उस नेमत को वापस ले लेते। अगर इस्लाम की नेमत की कदर न हुई और इस्लाम की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा न किया गया और अपने जहन और दिमाग से लेकर दिल तक और अपने नस्लों, अपने घरों की मर्द औरतों और बच्चों तक इस बात को मुंतकिल नहीं किया गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी अलामत और सबसे बड़ी पहचान यह है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने आगे झुकने का मौका अता फरमाया है,
तुम्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा फरमाया, आपकी गुलामी अता फरमाई, ये तुम्हारी शनाख्त है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी अलामत है, तुम्हारा नाज है, तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारा फख्र है। अगर इस नेमत पर इस दर्जे शुक्र न हुआ और इस नेमत की इस दर्जे कदरदानी न हुई तो डर है इस बात का कि आइंदा वो वक्त भी देखना पड़ जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि ये नेमत हमसे या हमारी नस्लों से छीन ली जाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मोहताजगी नहीं है, अल्लाह तो बेनियाज है। जब हम कद्र नहीं करेंगे और हमारे अंदर कद्रदानी के जज्बात नहीं होंगे तो अल्लाह ताला ये नेमत हमसे लेकर किसी और को अता फरमा दे। और ऐसी तारीखों में बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि किसी इलाके के लोगों ने अल्लाह की इस नेमत की कदर नहीं की तो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे और कुछ सालों के बाद अल्लाह ने वो नेमत उनसे लेकर किसी और को दी। وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ। बारहा तज़किरा इधर हम सुन रहे हैं, इर्तिदाद के वाक़ियात, मुस्लिम घरानों की लड़कियों और बच्चियों के ऐसे वाक़ियात जिसे सुनकर रूह कांप जाए, दिल लरस जाए और उसके अपने अपने हल लोग पेश करते हैं और अपने अपने रास्ते से इस बीमारी का और इस ख़तरनाक मर्ज का इलाज बयान करते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर जितनी बातें इस सिलसिले में सुनने में आती हैं, या तो अक्सर का ताल्लुक सिर्फ कागज़ों से है, अक्सर का ताल्लुक सिर्फ बयानों से है, या जो संजीदा कोशिशें हैं तो उन संजीदा कोशिशों में बुनियादी बात यह है कि दूसरे नंबर की जो मेहनत है उस पर फोकस किया जाता है कि बेहयाई का माहौल कायम ना किया जाए, मखलूक निज़ाम तालीम से बचाया जाए वगैरह वगैरह। कोई शक नहीं कि ये भी बड़ी अहम ज़रूरतें हैं और इन पर भी तवज्जो ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए बुनियादी इलाज इस बीमारी का ये नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए इस बात पर कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची या एक लड़का या एक लड़की जो भी हो, जिसने 20 साल 22 साल 25 साल एक मुसलमान के घर में ज़िंदगी गुजारी, उसके वालिदैन मुसलमान थे, उसके आबाओ अजदाद मुसलमान थे, उसके यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती होगी, उसके यहाँ रमज़ान में रोज़े भी रखे जाते होंगे, उसके यहाँ ईद और बकरीद की खुशियाँ भी होती होंगी, उसके यहाँ शब बारात और मुहर्रम के तस्करे भी होते होंगे, फिर आखिर कौन सी वो बात है कि वो बच्ची या वो बच्चा, वो लड़की या वो लड़का सिरे से इस्लाम छोड़ देते हैं और शिर्क में मुब्तला हो जाते। बुनियादी बात यह है कि हम सब रस्मी मुसलमान बनकर रह गए। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं, अल्लाह ने माफ फरमाए कि मुस्लिम घर में पैदा हो गए इसलिए नमाज पढ़ते, इसलिए रोज़ा रखते, इसलिए ज़कात देते, इसलिए हज उमरे में चले जाते और कुछ ज़ाहिरी दीनदारी के आमाल हो जाते। बुनियादी तौर पर अपने घर के बच्चों और बच्चियों को ईमान के बारे में समझाना, इस्लाम के बारे में समझाना, अकायद के बारे में समझाना, अल्लाह की तौहीद की अजमत उनके सामने बयान करना, शिर्क की शनाअत और शिर्क अल्लाह को कितना नापसंद है और शिर्क अक्ल के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी कितना नुकसानदेह है और इससे कितने और मसाइल सामने आते हैं, इन सारी बातों पर घर की नई नस्ल के सामने कभी गुफ्तगू होती ही नहीं है। हम मुतमईन हो जाते हैं, हमने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख दिया है, अब्दुल रहमान रख दिया है, अबू बकर और उमर रख दिया है, हसन और हुसैन रख दिया है, अली रख दिया है और कुछ रख दिया है जो मुस्लिम नाम है, जो अरबी नाम है, और हमने अपनी बेटियों का नाम आयशा और फातिमा और खदीजा और सुमैया रख दिया है। बस ये नाम उनके लिए काफ़ी है। और बहुत आगे बढ़कर मैं कहता हूँ
कि हमने उनको नमाज़ पढ़ने का हम उन्हें हुक्म देते हैं और हम उन्हें पर्दा भी करवाते हैं और वो बुर्का भी पहनती हैं, लिहाजा हम इस पर मुतमईन हैं कि वो एक अच्छी मुस्लिम ज़िंदगी, इस्लामी ज़िंदगी गुजार रही। कतअन ये काफ़ी नहीं है, कतअन ये काफ़ी नहीं है। ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं जो वो माँ बाप के दबाव में भी कर सकती है और कर सकते हैं। नमाज माँ बाप के डर से भी पढ़ी जा सकती है। और भी बहुत से ज़ाहिरी ऐसे दीन के काम हैं जो घर के नौजवान बच्चे और बच्चियाँ माँ बाप के डर से, उनके खौफ से, या उनकी मोहब्बत में, या उनकी इताअत में, या उनकी फरमाबरदारी में ये काम करते हैं। ईमान पर उनका दिल कितना मजबूत है, उनके दिल में ईमान की कितनी अजमत है, उन्होंने कुरान को, हदीस को, इस्लाम को, शरीयत को कितना समझा है और कितना उनका इस दीन से ताल्लुक है, इसके बारे में न हम सोचते हैं और न इसके बारे में उनके अंदर खुद से कोई ख्याल पैदा होता है। और उसी का नतीजा होता है कि आम रूटीन की जिंदगी जब तक चलती है चलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक शैतानी फिक्र सवार होती है और झूठी और पुरफरेब मोहब्बतों का झांसा उनको दिया जाता है, तो उसके बाद जब उसके दिल में अहमियत और आजमत नहीं होती, तो जहां वो और बड़े बड़े फैसले लेते हैं और लेती हैं, वो अपने माँ बाप से दूर होने का फैसला कर लेते हैं, वो अपने घर वालों से दूर होने का फैसला कर लेते हैं, वहीं फौरन उनको ये फैसला लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि मुझे अपने दीन से भी अगर दूर होना पड़ जाए तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। ये असल बुनियादी मसला है कि ईमान और इस्लाम को समझा ही नहीं गया और समझाया ही नहीं गया कि इसकी क्या हैसियत है और इसकी क्या अजमत है और इसका क्या मकाम है। और हमारे नबियों ने, सहाबा ने, अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने इस इस्लाम और ईमान के लिए किस दर्जे की कुर्बानियां दी। आज तो जरा जरा से मसाइल पर, छोटी छोटी सी बातों पर हम उन आमाल को कबूल कर लेते हैं जिन आमाल का इस्लाम के साथ, तौहीद के साथ, ईमान के साथ सीधा टकराव, और हमारे जिस्म से वो अमल और हमारी जबान से वो कौल, वो बातें निकल पड़ती हैं जो बातें इस्लाम की रूह के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, इस्लामी शनाख्त के खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ, अल्लाह के कुरान के खिलाफ, और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। जब तक इस नेमत पर हमारे अंदर शुक्र का जज्बा नहीं होगा और बार बार हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे और बबांगे दोहन इस बात का ऐलान नहीं करेंगे कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया था और हम मुस्लिम हैं, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम हमारा दीन है, अल्लाह की तौहीद पर हमें नाज है, अल्लाह की तौहीद को हम अपने लिए सबसे बड़ी नेमत समझते हैं, इसी तौहीद पर जिएंगे और इसी तौहीद पर हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को हम अपने सर का ताज समझते हैं, इस्लाम को अपने लिए दुनिया और आखिरत में हिफाजत का और दुनिया और आखिरत की सआदतों के हासिल होने का वाहिद जरिया समझते हैं। जब तक इसका ऐलान एक एक मर्द, एक एक औरत, एक एक नौजवान लड़का, एक एक हमारी बहन, एक एक छोटा और एक एक बड़ा, जब तक इसका बार बार ऐलान नहीं करेंगे और घरों में इसके बार बार तज़किरे नहीं होंगे, उस वक्त तक ईमान की अजमत और ईमान का और इस्लाम की जो हैसियत है और अल्लाह ने इसको हमारे लिए जितनी बड़ी नियामत बनाया है, उसका इस्तेहजार हमारे अंदर रासिख नहीं हो सकता। मुसलमान सिर्फ घर में पैदा हो जाने, मुस्लिम घराने में पैदा हो जाने से कोई नहीं हो जाता। एक अच्छा मुसलमान वो है जो इस्लाम पर गौर करता है, जो इस्लाम को मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद खुद से अपनी चॉइस बनाता है।
कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। इसका क्या मतलब है? ईमान वालों को ही पुकारा जा रहा है और उनसे ही कहा जा रहा है कि अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाओ। अपने दिल में टटोलो, ऐ ईमान वालों अपने दिल में टटोलो कि तुम वाकई खुद से इख्तियार करके मुसलमान बने हो या मुस्लिम घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान। एक एक हुक्म इस्लाम का, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो हुक्म दिए गए और जिन कामों से रोका गया, उन सब पर हमारी गहरी निगाह हो कि अल्लाह ने ये हुक्म जो हमें दिया, ये जो काम करने का हुक्म दिया और ये जिस काम से रुकने का हुक्म दिया, ये हमारे अपने नफ़े और फ़ायदे के लिए और इसी में हमारी नजात है और इसी से हमको अल्लाह का ताल्लुक़ मिलेगा और इसी से हमको अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा और यही आमाल दुनिया से लेकर आखिरत तक हमारे काम आएंगे और इन्हीं कामों में न सिर्फ ये कि हमारे आखिरत के फ़ायदे हैं, दुनिया के तमाम फ़ायदे भी अल्लाह ने इन्हीं आमाल के अंदर रखे। जब बसीरत पैदा होगी इस्लाम पर तब इंसान हकीकी मानों में शुक्र अदा करे, वो अंदर का शुक्र होगा जो दिल से निकलेगा, उसका पूरा वजूद शुक्र बन जाएगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्लाम की नेमत अता फरमा दी, तूने मुझे ईमान की नेमत अता फरमा दी, तूने मुझे अपने दीन की नेमत अता फरमा दी। और फिर जब इस दर्जे की बसीरत होगी तब फिर कैसे ही हालात क्यों ना आ जाए, इंसान अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। वरना पूरी बातिल ताकतें पहले दिन से इसी मिशन पर लगी थीं और आज भी लगी हैं कि अहले ईमान को उनके ईमान से खींच लो। वो जानते हैं कि पूरा नहीं खींचेगा कोई, लेकिन इनकी जिंदगियों में शिर्क दाखिल कर दो। शिर्क और कुफ्र से जो नफरत होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी अल्लाह के गैर की इबादत से जो तबीयत में तनफ्फुर होना चाहिए वो ख़त्म हो जाए, वो बाकी न रहे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, अहले किताब की बड़ी तादाद ये चाहती है कि तुमको तुम्हारे ईमान से वापस खींच लें। कहीं फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद नसारा उस वक्त तक आपसे खुश नहीं हो सकते जब तक आप इन्हीं की तहजीब को इख्तियार न कर लें। उनकी सिर्फ ख्वाहिश यही है, बातिल और शैतानी ताकतों का पहले दिन से यही एजेंडा है कि कुफ्र और शिर्क की मिलावट इनके ईमान और इस्लाम में दाखिल कर लें। और ईमान और इस्लाम पर जो फख्र होना चाहिए और जो अपनी शनाख्त एक मुस्लिम की हैसियत से होनी चाहिए, मुसलमान उस सिलसिले में थोड़ा लचकदार हो जाए और उसके जुमलों से, उसकी बातों से ये इजहार होने लगे कि वो इस्लाम को ठीक है बस एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, जैसे और बहुत से तरीक़े हैं वैसे ये भी एक तरीक़ा है। इस्लाम अल्लाह की तरफ से उतरा है और कुरान रोकता नहीं है, इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं करता, पैगामात खुल कर देता है, वजाहत से बातें बयान करता है, लेकिन साथ साथ ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें कबूल हो ये बातें बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा फ़ायदा है, हमारी तरफ से इन बातों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अंजाम तुम देख लोगे। तुम इस्लाम के मोहताज हो, इस्लाम तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हमको दीन की ज़रूरत है, दीन को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारी भलाई के लिए है,
हम अगर वाकई चाहते हैं तो हम बहुत गौर व फिक्र करें, बहुत ध्यान दें, एक एक हुक्म पर गौर करें, पूछें, मालूम करें और फिर खुद भी इस तरह के मुसलमान बने कि इस्लाम पर हमें नाज और शिर्क और कुफ्र से हमें आखिरी दर्जे का तनफ्फुर। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज कुरान ने और इस्लाम ने मुशरिक और काफिर के बारे में ये नहीं कहा कि उससे दूर भागो, शिर्क और कुफ्र के बारे में कहा है कि उससे दूर भागो और उनको तो बीमार समझो। जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी से बचने की कोशिश की जाती है, बीमार से नहीं दूर रहा जाता। बीमार की तो तीमारदारी होती है, बीमार को तो उस बीमारी से निकालने के बारे में सोचा जाता है, उसकी सेहत की फिक्र की जाती। कुफ्र और शिर्क बीमारियां हैं जो इंसान की रूह को, इंसान के अखलाक को, इंसान के किरदार को, इंसान के वजूद को नापाक कर देती। इंसान का जो सबसे मुकद्दस रिश्ता है, सबसे अजीम रिश्ता है, उस मालिक का अपने बंदे के साथ, एक गुलाम का अपने आका के साथ, कुफ्र और शिर्क वो कैंसर है जो उस रिश्ते को तहस नहस कर देता है। जो रिश्ता सबसे ज्यादा मोहब्बतों के लायक है और इश्क के लायक है, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता, एक उम्मती का अपने नबी पर जानो दिल कुर्बान करने का रिश्ता, कुफ्र और शिर्क वो बीमारी है जो इस रिश्ते के अंदर दरार पैदा कर देते। हमें बीमारी के इलाज के बारे में सोचना है और जिनको ये बीमारी है हमें उनकी सेहत की फिक्र करना है, उनकी सेहत के लिए दुआ करना है, उनकी दवाओं की इलाज की कोशिश करके उनको उस बीमारी से निकालने के बारे में सोचना है। जब तक इस्लाम पर यकीन नहीं होगा मजबूत, उस वक्त तक हम किसी दूसरे को क्या दावत दे पाएंगे। डेंगू चल रहा है, डेंगू इंसान इससे बचेगा तब ना जब इसको इस बीमारी का एहसास होगा, जब इस बीमारी की खतरनाकी से ये वाकिफ होगा तब अपने आप को उससे बचाने की फिक्र करेगा, तब अपने घर वालों को उससे बचाने की फिक्र करेगा, तब दूसरे लोगों को इससे बचाने की फिक्र करेगा। अगर उसे उस बीमारी का एहसास ही नहीं होगा और बीमारी को बीमारी समझता ही नहीं होगा तो फिर कैसी एहतियात करेगा वो, फिर क्यों बचाव करेगा वो, फिर क्यों किसी और को बचाने के बारे में सोचे। असल चीज यही है कि ईमान और शिर्क को हम समझें कि ईमान कितनी बड़ी नियमत है और शिर्क में कितना नुकसान है, और कुरान से समझे कुरान ने किस तरह ईमान को बयान किया। وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ। अल्लाह ताला ने तौहीद का जो कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ने इस कलमे को मिसाल के साथ बयान फरमाया कि ये पाकीज़ा कलमा है, कलिमा तय्यबा है, और इसकी मिसाल उस पाकीज़ा दरख्त की तरह है। कमसलिश व मसलु कलिमतिन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, उस पाकीज़ा दरख्त की तरह है, असलुहा साबित, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हो, गहरी जड़ को कोई हिला नहीं पाता, गहरे जड़ वाले दरख्त को कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता। बड़ी बड़ी आंधियाँ, बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े हंगामे होते रहते हैं, लेकिन जिस दरख्त की जड़ें गहरी हो, मजबूत हो, वो दरख्त जिस तरह खड़ा है उसी तरह खड़ा रहता है। वफरुहा फिस्समा, और उस इस कलमे की जड़ें बड़ी गहरी हैं और इसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं, आसमान तक बुलंद है। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, और उसकी शाखों में खूब फल आते हैं, नेकियों के फल, आमाल के फल, अच्छाइयों के फल, बुलंद अखलाकी के फल, बुलंद किरदारी के फल, पाकीज़गी के फल, सच्चाई के फल, अमानतदारी के फल, इंसाफ के फल, ये ईमानी कलमे के अंदर, ये ईमानी कलमे का जो दरख्त है उस दरख्त के अंदर ये सारे फल नज़र आते हैं।
जिसका ईमान मजबूत होगा, गहराइयों में उतरा हुआ होगा, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर अल्लाह की तौहीद पर इत्मीनान, उसकी ये सूरत हाल होगी कि बड़ी से बड़ी कुफ्र और शिर्क की आंधी उसको हिला नहीं पाएगी। और यही तर्ज होना चाहिए, जब बात इस्लाम की हो, ईमान की हो, और बात कुफ्र की हो और शिर्क की हो, तो बबांगे दोहल इसका ऐलान होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और हम मुसलमान हैं, और हमें अपने मुसलमान होने पर बहुत नाज है, और हम इसको अल्लाह की अपने लिए सबसे बड़ी नियामत समझकर अल्लाह के सर ता सर शुक्रगुजार हैं। ये नियामत हमारे पास न होती तो न जाने हम कहाँ होते, न जाने हमारा क्या हाल होता, न जाने हमारी सोच फिक्र क्या होती, और कितने बेहैसियत हो गए होते हम, कितने जलील हो गए होते हम। हम इतने बड़े होकर न जाने किन किन को अपने अपने लिए मावा और मलजा समझ रहे होते। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की नेमत अता फरमाई और हमें मुस्लिम बनाया, और हमें अल्लाह ने अपने सामने झुकने का मौका अता फरमाया। सहाबे किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहकर इस ईमान पर यही मेहनत की थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा शदीद ईमान की हिफाजत का मसला था। एक इंच भी वो इस मसले में कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। अल्लाह की तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उनको चीर दिया गया, उनको आग में डाल दिया गया, उनको फांसियों पर लटका दिया गया, बड़े से बड़ा जुल्म उन पर हुआ, लेकिन अल्लाह की तौहीद और उसका ऐलान और अल्लाह की तौहीद पर जमना, ये उनके अंदर ऐसा रासिख हो चुका होता था कि सख्त से सख्त हालात भी उनको मुतासिर नहीं कर पाते, और बड़ी से बड़ी लालच भी उनको इस ईमान से पीछे हटने पर आमादा नहीं कर पाते। वो इतने मजबूत होते थे अपने ईमान के सिलसिले में। इसलिए तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है, मेरी भी है, आप सब की भी है, और इस पैगाम को आम करने की जिम्मेदारी है कि अपने घरों में अल्लाह के लिए ईमान और इस्लाम का तज़किरा किया जाए। सिर्फ इस पर मुतमईन न रहे हम कि हम मुसलमान घराने के ऊपर, आगे हालात बड़े सख्त, ईमान और इस्लाम पर चारों तरफ से डाके डाले जा रहे हैं, अकायद खराब किए जा रहे हैं, ईमान को के अंदर शिर्क और कुफ्र की मिलावट की कोशिशें हो रही हैं। अपने मुसलमान होने पर, अल्लाह का बंदा होने पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर हमारे अंदर जो एक इस नेमत का इस्तेहजार होना चाहिए, जो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के जज्बात होने चाहिए, उन सबको कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही। अगर हमने इस मौके पर फिक्र न की और अपनी नस्लों को, अपने घर की औरतों को, अपने भाइयों और बहनों को इस सिलसिले में नसीहतें न की और उनको बिठा बिठा कर ईमान उनके अंदर रासिख न किया, और हम न कर सकते हो तो ऐसे लोगों के पास भेज भेज कर जहाँ उनके दिल में ईमान की अजमत और अहमियत बिठाई जाए। हमने इसका निज़ाम अगर न बनाया तो बहुत ख़तरा है कि बाज़ ज़ाहिरी अमाल होते हुए भी हम और हमारे बाद हमारे घरों में, हमारी भाइयों में, बहनों में, नस्लों में, आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद कहीं ये ईमान की नेमत अल्लाह इस नाकदरी की, नहुसत की वजह से छीन ले। इससे ज़्यादा और फिक्र की और कोई बात नहीं। ईमान के तस्किरे बुलंद कीजिए। किसी भी हाल में अल्लाह ने हमें ये जो तौहीद की और ईमान की नेमत दी है, हम इस पर एक मिनट के लिए भी, एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस पर हमें पूरा नाज है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ने हमें जो मुसलमान बनाया और अल्लाह ने हमारा जो नाम मुस्लिम रखा, हमें इस पर बहुत फख्र है, और हम इसे अपनी पहचान, अपनी अलामत, अपनी शनाख्त समझते हैं, और साफ साफ दुनिया के सामने ऐलान करते हैं, इन्नी मिनल मुस्लिमीन। हमारा तारुफ चाहते हो तुम, सुन लो, हमारा तारुफ ये है कि हम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में, यानी मुसलमान बंदों में से एक बंदा है। ये हमारी
पहचान है। अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाया, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को पसंद किया। ये इस्लाम हमारी अलामत है, ये इस्लाम हमारा तारुफ है, ये इस्लाम हमारी पहचान है। हम इसी पर जिंदा हैं और इसी इस्लाम के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इस ईमान की, इस्लाम की अहमियत और अजमत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।